हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सबूर हसन और आज की इस वीडियो में आप लोगों को अपने कुछ नए कबूतरों का शो करवाऊंगा। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो मेरे हाथ में कबूतरी है सेंटीनेट, ये तो मेरे घर की कबूतरी है, लेकिन मैं तीन नए कबूतर लाया हूँ जो आपको दिखाऊंगा और आपको इस वीडियो में शो करने को मिलेगा। तो काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार में था कबूतर लेने के। एक टाइम में तो मैं जब ये पट्टी थी जब लाया था 600 रुपये की जोड़, लेकिन उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे बड़ी जोड़ ले लूँ और वो दे भी नहीं रहे थे, लेकिन अब उनने आखिरकार दे दी। तो मैं कल रात में ही वो जोड़ लेके आया हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी उसका शौक करवाया जाए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मैं आपको अपने कबूतर बताता हूँ, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ अपने नए कबूतर। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं अपने नर का शौक करवाता हूँ। ये देखिए आप लोग, सबसे पहले आप इसकी आंख का शौक कीजिए। छोटी में है, काफ़ी खूबसूरत कबूतर है दोस्तों। देखिए ये बार में भी है और काफ़ी बड़ा साइज़ है और काफ़ी वजनी है। मैंने हाथ में लिया, ये देखिए काफ़ी वजनी कबूतर है और कितना खूबसूरत कबूतर है ये। शुरू से ही बहुत पसंद था और ऐसा कलर मेरे पास एक भी नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये कबूतर लिया है। बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। चलिए मैं इसको नीचे छोड़ के बताता हूँ, फिर आप अच्छे से देखिएगा कबूतर इसकी चाल ढाल कैसी है क्या है। देखिए अब दोस्तों मैं इसकी मादी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए तीन चार कबूतर सेम है, पूरे देखना पड़ेगा मादी कौन सी है। ये शायद, हाँ परवाने है। तो दोस्तों ये इसकी मादी है, इसके तो अभी परवाने हैं। तो ये थोड़ा कम बार में है, उसके जो इसका कलर है वो है ब्राउन, इसमें बहुत ही कम कलर आया है। तो बहुत प्यारी कबूतरी है ये भी, देख सकते हैं आप लोग। इसकी आँख का शौक कीजिए, शायद ये अभी नहा ली है, हल्की हल्की गीली हो रही है। दोस्तों आप इसका कलर देखिए, कितना बेहतरीन कबूतर है ये, कितना बेहतरीन कलर है इसका, चोटीदार है। सेम बच्चे भी निकलेंगे। मैं आपको एक और कबूतर दिखाता हूँ, जब तक आप इसको देखिए, इसके नर को भी बाहर कर बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों हमारी है इसके पट्टे की, तो इसका पट्टा ये रहा। अच्छा ये फुल साइज है, इसका पट्टा बाहर चला गया है। मैं भी कंफ्यूज हूँ, देखिए आप लोग एक जैसे कबूतर हैं तो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि नर कौन सा है और पट्टा कौन है। चलिए मैं पट्टा भी आपको पकड़ के बता देता हूँ। दोस्तों ये रहा नर, आप इसके पैरों का शौक कीजिए। ये इसके भी बार और ज़्यादा अच्छे कलर में आएंगे। ये बिल्कुल सेम अपने ही मतलब बाप पे गया है, बाप की तरह है बिल्कुल कबूतर। मतलब इसके भी अभी ये पाल झड़ा रहा है, तो जब ये पूरे साफ़ करेगा तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा। ये दोस्तों ये जो आप जोड़ देख रहे हैं, ये 3 साल पुरानी जोड़ है कबूतर की। 3 साल पुरानी कबूतर की जोड़ है, वो दे नहीं रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। पैसे भी जोड़े, पैसे भी नहीं थे। ये काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग पेयर है। और ये देखिए मैं इसको नर को बिल्कुल देखिए सेम लग रहा है दोनों। तो ये जो पट्टा है ये मेरी गारंटी है, ये अपने अब्बा की तरह हो जाएगा। ये जब सामने के पर पूरे साफ़ करेगा, एक ही जैसे कबूतर हैं। और इसकी मादा तो मैं पहले ही ले आया था, जो कि मेरे पास जोड़ थी, लेकिन वो एक मर गई थी, मैंने बताया था आपको एक वीडियो में। तो इसकी मादा को भी बाहर छोड़ते हैं, तो आप चारों कबूतर एक साथ देखिएगा। ये देखिए दोस्तों ये रही इसकी मादा, इसको भी मैं आपको छोड़ देता हूँ। दोस्तों ये जो मादा है ये फुल साइज़ हो चुकी है, ये वाली मादा। और ये जो है ये पट्टा है, ये उनके दर जो इसकी मादा थी वो बिल्ली खा गई, तो ये अकेला पट्टा है। तो मैं इसकी जोड़ बना के, ये नर है ये मादा, सेम बिल्कुल बड़े होके वैसे ही हो जाएंगे। तो ये मैं सेल करूँगा और बड़ी वाली तो अब अपन ही ब्रीडिंग करवाएंगे और अपन ही इसको रखेंगे। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन नर लग रहा है वो, उसके बाहर देखिए उसका कलर, फोकस करना। ये देखिए दोस्तों
कितना बेहतरीन कबूतर हो रहा है, बहुत ही प्यारा नर है और बहुत ही प्यारे बच्चे भी हैं, बड़े होके ये भी एक ही जैसे हो जाएंगे। चलिए कुछ कबूतरों को खोल लेते हैं जो कि बाहर नहीं आए, दोपहर का टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरे कबूतर खोल दूँ